दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में रिजवान का शतक देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। वहीं बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बात कहते हुए ऐसा जहर उगला कि पूरे पाकिस्तान में मच गया बवाल। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर शोएब मलिक, यहां तक कि शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम ने करी बाबर की आलोचना। रिजवान को कप्तान बनाने की कर दी मांग, साथ ही साथ दिया बड़ा बयान। ये तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर आजम में से कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के बाद अब सभी टीम सफ़ेद जर्सी में नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को उनके घर में पहली बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। और बांग्लादेश के लिए यह फैसला काफी शानदार साबित हुआ, क्योंकि बांग्लादेश के गेंदबाजों ने 16 रनों के स्कोर के ऊपर ही पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। पाकिस्तान की टीम अपने घर में घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। बाबर आजम इस मुकाबले में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं कप्तान शान मसूद भी केवल 6 रनों का योगदान दे सके। वहीं अब्दुल्ला सफीक भी केवल 2 रन बना पाए। लेकिन उसके बाद साउद शकील और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर टीम की पारी को संभाल। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार बैटिंग की। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की पारी संभल गई, दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों पर हावी हो गए और प्रचंड रूप में प्रहार करते हुए पहले साउथ शकील ने अपना शतक लगाया तो फिर मोहम्मद रिजवान कहां रुकने वाले। उन्होंने भी घातक अंदाज में बैटिंग कर टीम को संभाला और तूफानी शतक जड़ दिया और पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। पहले दिन पाकिस्तान इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत मजबूत स्थिति में आ गई। इसके बाद तो मोहम्मद रिजवान की तारीफ पूरे पाकिस्तान में होने लगी। यहां तक कि उनके बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी तारीफ करने लगे। इतना ही नहीं, कप्तान बनने की भी मांग कर दी और इन पाकिस्तानी दिग्गजों का बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको इनके सभी के दिग्गजों के बयान सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने मोहम्मद रिजवान को लेकर कहा है और बाबर पर क्यों फूटा है इन सभी का गुस्सा। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि रिजवान ने क्या शानदार खेल दिखाया है। पाकिस्तान की पारी को संभाल कर बाबर से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। मुझे लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनना चाहिए, वो जरूर पाकिस्तान को ट्रॉफी दिला सकते हैं। मुझे उन पर सबसे अधिक भरोसा है। बाबर इस समय खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं शोएब अख्तर भी गुस्से से आग बबूला होकर बोले, हमने बाबर आजम से जितनी उम्मीद की थी उन्होंने कुछ भी वैसा नहीं किया। रिजवान उनसे बेहतर खिलाड़ी हैं, उन्हें टीम का कप्तान बनना चाहिए, वो पाकिस्तान को जरूर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी दिला सकते हैं। मुझे उन पर सबसे अधिक भरोसा है, वो पाकिस्तान के लिए हर मैच में रन बनाते हैं, हर फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहता है। वहीं शोएब मलिक ने भी आगे कहा कि पाकिस्तान का इतना शर्मनाक प्रदर्शन अपने घर में होना हमने सोचा भी नहीं था। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, बाबर आजम ने देश की नाक कटा दी, रिजवान की वजह से टीम संभल पाई, उन्होंने शानदार खेल दिखाया, हमेशा वो टीम के लिए रन बनाते हैं, मुझे लगता है उन्हें टीम का कप्तान होना चाहिए। बाबर में अब वो क्षमता नजर नहीं आती है, लंबे समय से उनका बल्ला खामोश है। वहीं पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भी कहा कि टीम का प्रदर्शन देखकर मैं बेहद निराश हुआ, हमने नहीं सोचा था हमारा ऐसा खराब हाल होगा। बांग्लादेश जैसी टीम से मुझे बाबर से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद पर पानी फेर दिया। रिजवान को टीम का कप्तान बनना चाहिए, उन्होंने हर मैच में शानदार खेल दिखाया है, मैं जितनी भी उनकी तारीफ करूँ उतनी कम है, उनके जैसा खिलाड़ी विश्व में बहुत कम देखने को मिलता है, हर फॉर्मेट में उन्होंने टीम के लिए रन बनाए हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आए, वहीं रिजवान को टीम का कप्तान बनाने की मांग करने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, मोहम्मद रिजवान, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।